वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ रेसिपी, वो बहुत ही इजी है और ये स्पेशल है बच्चों के लिए। बहुत इजी है और आप इसे घर में बनाएं, और यकीनन मुझे उम्मीद है कि ये सबकी ही फेवरेट होगी, बड़े हों या बच्चे हों, सबके ही। तो आज हम आपको बताएंगे घर में ही चिप्स को बनाना, लेस चिप्स की तरह। बिल्कुल ही वैसे ही चिप्स बनाएंगे हम, विदाउट ऑयल बनाएंगे इसको। बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे और यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। और इसके इसके लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ एक आलू चाहिए। आलू ही से हम आपको बनाना बताएंगे चिप्स। ना इतना इस्तेमाल होगा ऑयल का, इस्तेमाल होगा इसमें ना किसी और चीज़ का इस्तेमाल होगा। चलाएँ देखते हैं कि किस तरह बनाते हैं हम घर में ही चिप्स, क्रिस्पी से मज़ेदार, बिल्कुल लेस की तरह। इसके लिए हम जी लेंगे सबसे पहले एक आलू, आलू लेंगे। इसको मैंने प्रीक प्रीक क्रश कर लिया, ये देखें जिस तरह आप देख रहे हैं, ये आप आलू देख रहे हैं, इनको मैंने प्रीक प्रीक क्रश कर लिया, ये देखें। ये बिल्कुल आलू की गुलाई में काटने हैं आपने आलू, और बहुत ही बारीक आलू काटना है, ये देखें। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने इनको काट के रख लिया है। ये सिर्फ एक आलू के चिप्स, एक आलू का मैं बता रही हूँ। आलू आपने लेना है बड़े साइज़ का आलू लेना है, ये देखिए। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि हमने ये प्लेट लेनी है चीनी की, चीनी ही की प्लेट में ये इस्तेमाल होगी, इसके अलावा कोई और प्लेट नहीं इस्तेमाल करनी। इसके अंदर हम ऑयल लगाएंगे, ये देखिए। अच्छी तरह से आप इस चीनी की प्लेट में ऑयल लगाएं, ऑयल भी ज़्यादा नहीं लगाना, सिर्फ एक हल्की सी तह लगानी है कि ये आलू इसमें चिपके ना। ठीक है, ये देखिए इसमें आपने आलू के प्लेट में लगा के ये आलू हमने इसके ऊपर रख दिए। बहुत ही इजी रेसिपी है और आप घर में बच्चों, बाहर से बेहतर है कि आप लोग घर में ही बच्चों को बना के खिलाएं, और बच्चों के लिए तो नहायत ही मज़ेदार सी ये चिप्स होंगे और यकीनन उनको पसंद आएंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। बहुत ही इजी रेसिपी है, ये देखिए। ये मैंने आलू सब लगा लिए, अब मैं इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाऊंगी। ठीक है, ये मैंने इस पे ऑयल लगा लिया, आप लोग देख रहे हैं। इस पे मैंने हल्का सा ये चाट मसाला सा छिड़क लिया ताकि थोड़ा सा इसका टेस्ट हो जाए। अगर आप लोग चाहें कोई और मसाला यूज़ करना चाहें तो और भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये। अब हमने करना क्या है, इसको ओवन में रख देना है बेक के लिए, ये देखें। अब मैंने इसको ओवन में रख दूँगी, इसको मैं 4 मिनट का लगाऊंगी, 4 मिनट से कम नहीं लगाना। ये देख रहे हैं आप टाइमर, 4 मिनट का मैंने इसको बेक के लिए लगा दिया। 4 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे किस तरह से मज़ेदार क्रिस्पी से चिप्स तैयार हैं, और यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगे। मिलते हैं 4 मिनट के बाद। ये देखें, ये मेरे चिप्स बेक हो गए, मैंने आपको दिखाए थे, देखें। ये देखिए मेरे बड़े ही मज़ेदार से क्रिस्पी से ये देखें चिप्स तैयार हो गए, ये देखें बिल्कुल लेस की तरह, ये देखें बहुत ही क्रिस्पी हैं। आप इसे केचप के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको खा के भी दिखा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बने। यकीनन आप बच्चों को बना के देंगे, वो कभी भी नहीं पहचान सकते कि ये मामा ने घर में बनाए हैं या मामा ने बाहर से मंगवाए। आप बेशक उसके रैपर में डाल के बच्चों को दे दें, वो कभी भी जज नहीं कर पाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से बने हैं, देखें ये देखें, बहुत मज़ेदार। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, यकीनन आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए न्यू से न्यू रेसिपी लेके आऊँ। ये बहुत ही ईजी और क्विकली बनने वाली रेसिपी है, झटपट जिसे बोलते हैं, और बच्चों के लिए तो स्पेशल है ये। मैं आज बच्चों के लिए लेके आई हूँ, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी मैं। अल्लाह हाफिज़।